तो मैं फ्रेंड्स, आज आपके सामने मैं एंटोमोलॉजी का एक टॉपिक लेके आया हूँ जो कि एमएससी जियोलॉजी थर्ड सेमेस्टर में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अदर बायोलॉजिकल क्लासेस में इक्वली इम्पोर्टेंट है, सच एज बीएससी में भी जो एंटोमोलॉजी के स्टूडेंट हैं। और इसमें मैं आपको एक रेयर पेस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ जो बेसिकली बुक्स में नहीं है, नेट में अवेलेबल है, तो ये इम्पोर्टेंट पेपर में आता भी है, नेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया, तो उसके बारे में आपको आज बताता हूँ। मैंगो मेलीबग को डॉर्सिचा मैंगीफेरा कहते हैं और ये मैंगो क्रॉप का पेस्ट है इन एशिया। एशिया की कंट्रीज़ में ये काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। इसमें निम्फ एंड फीमेल जो होते हैं ज़्यादा डैमेज करते हैं, वो प्लांट का सैप सक करते हैं मैंगो की इन्फ्लोरेसेंस से, टेंडर लीप से, शूट से एंड फ्रूट की पेडंकल से। उसके बाद क्या होता है, जो इन्फेस्टेड इन्फ्लोरेसेंस है वो ड्राई अप हो जाती है, फ्रूट सेट जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और उससे उनकी ग्रोथ कम हो जाती है, फ्रूट ड्रॉप हो जाता है प्री मेच्योरली। एंड दीज बग आल्सो एक्सक्रीट द हनी ड्यू सलाइवा एक्सक्रीट करते हैं लीफ के ऊपर, स्टेम के ऊपर, और उससे सूटी मोल्ड फंगस डेवेल्प हो जाते हैं और उससे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है और इसकी ग्रोथ रिटार्डेड हो जाती है। आल्सो इट इज़ पॉलीफेगस, आल्सो अदर देन मैंगो 60 अदर प्लांट स्पीसीज को डैमेज करता है। आगे इसकी सिस्टमेटिक पोजिशन देख सकते हो, किंगडम एनिमलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हेमीपटेरा, होमोपटेरा हेमीपटेरा बोल सकते हैं, फैमिली मार्गोडाइडी, जीनस डॉर्सिचा, स्पीसीज मैंगीफेरी। आगे इसका जो लाइफ साइकिल है उसके ऊपर फोकस करते हैं। पाकिस्तान में जो ज़्यादा मिलता है मैंगो, काफ़ी ज़्यादा वहाँ कल्टीवेट किए जाते हैं और ये यूनिवोल्टाइन है। इसका टोटल जो लाइफ स्पैन है 78-135 डेज है। अप्रैल एंड मई में ये पर्पल कलर के एग देता है सॉइल में और सैक में कवर्ड होते हैं एग मास बाय द वैक्सी थ्रेड, उसको प्रोटेक्शन कराते हैं सॉइल में। डिग करके जो देता है 2 to 3 मीटर रेडियस का एक डिग होता है। इन्फेस्टेड मैंगो ट्रीज के नीचे जो सॉइल है वहाँ एग ले करता है, जिसके एग होते हैं दिसंबर एंड जनवरी में हैच हो जाते हैं इनटू द निम्फ, और निम्फ जो होते हैं सॉइल से ऊपर ट्री में असेंडिंग शुरू कर देते हैं। जो निम्फ होते हैं उसमें 3 मोल्टिंग होती हैं, 3 इंस्टार बनते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इनके डेज दिए हैं 45 से 71 में फर्स्ट बनेगा, 18 से 38 डेज लेगा सेकेंड इंस्टार, एंड 15 से 26 डे लेगा थर्ड इंस्टार। और फीमेल एंड मेल जो है मार्च अप्रैल में अपियर होते हैं, मेल एंड विंग्ड होते हैं मेनली, एंड फीमेल मेल एंड फीमेल मेल थोड़ी देर के लिए रहता है, मेटिंग करता है, उसके बाद मर जाता है और जो डैमेज नहीं करता, इतना कोई डैमेज नहीं करता। कंट्रोल के लिए इसके कल्चरल केमिकल एंड नॉन केमिकल मेथड हैं मिनिमाइज इन्फेक्शन करने के लिए। बेसिकली फिजिकली एक बैरियर इसका प्रेडोमिनेंट प्रिकॉशन होते हैं जो किया जाता है इन्फेस्टेशन से बचाने के लिए, क्योंकि निम्फ जो होते हैं सॉइल से प्लांट में चढ़ेंगे, रूट से ऊपर आएंगे स्टेम को, तो वहाँ क्या करते हैं प्लास्टिक का रैप कर देते हैं इसका बार्क रिमूव करके और स्टिकी बैंड लगा देते हैं और उससे ऊपर ये क्रॉल नहीं कर पाते, और ये इसका बेस्ट मेथड है इसकी कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट यहाँ इसके मेल एंड फीमेल आप देख सकते हो, मेल जो है इट इज़ली विंगलेस्ट है और ये फीमेल है हाईली डेवेल्प अडल्ट फीमेल है। ये बेसिकली जो फीमेल के विंग नहीं होते यंग स्टेज में बहुत ज़्यादा डैमेज करती है और निम्फ डैमेज करते हैं। होस्ट प्लांट अदर देन मैंगो यहाँ जैक फ्रूट, गावा, पपाया एंड लेमन, इसको भी ये अफेक्ट कर देता है। नेचर ऑफ डैमेज के लिए ये निम्फ और फीमेल जो होते हैं सैप सक कर लेते हैं टेंडर शूट का एंड लीफ का, तो प्लांट ड्राई अप हो जाता है और मर जाता है। कंट्रोल के लिए वेस्ट इसका सोलराइजेशन है एंड डीप प्लॉइंग करनी है ड्यूरिंग समर। धूप लगाएंगे जितनी प्लांट के अराउंड, जितनी धूप होगी उसको उतना फ़ायदा होगा, इसके एग मर जाएंगे सॉइल में से और प्लोइंग करने से एग बाहर आ जाएंगे। 5 सेंटीमीटर वाइड स्टिकी बैंड अराउंड द स्टेम अप्लाई कर सकते हो मिड ऑफ दिसंबर में, फिर निम्फ ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे।
2.5 ml मिथाइल पैराथियोन की स्प्रे करनी है इन 10 लीटर ऑफ वाटर, तो ये इसको कंट्रोल कर देता है। लास्ट में इसका फ्लो चार्ट की फॉर्म में कंप्लीट लाइफ साइकिल देख सकते हो। एग जो रेस्टिंग फेज में होते हैं सॉइल में मई एंड दिसंबर में होते हैं, और एग लेइंग करता है 22 to 47 डेज में अप्रैल एंड मई में। तो मई एंड दिसंबर में डायापोस करेंगे सॉइल में, उसके बाद हैच कर जाते हैं दिसंबर के बाद जनवरी तक। उससे निम्फ बाहर आते हैं और असेंडिंग शुरू कर देते हैं ट्री में, और पेनिकल को डैमेज कर देते हैं दिसंबर एंड अप्रैल में, काफ़ी इन्फेस्टेशन होती है। और मेल एंड फीमेल जो है अपेयर होते हैं मार्च एंड अप्रैल में। उसके बाद मेटिंग करते हैं दोनों, एक वीक लगाते हैं मेटिंग के लिए और फिर एग ले करते हैं, और साइकिल इसका एज सच कंटिन्यू रहता है। तो यहाँ से इसका आप स्क्रीनशॉट इजीली ले सकते हो। उसके बाद जो मेन इसमें खास देखने वाली चीज़ है, इसमें निम्फ की मोल्टिंग होती है लार्वा की। 3 स्टार होते हैं, 1, 2 एंड 3। फीमेल एंड मेल में अलग अलग तरह का निम्फ बनता है, उसके डेज अलग अलग हैं, देख सकते हो। इसके डेज बोलने की जरूरत नहीं, यहाँ से आप इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और प्यूपेशन फीमेल में प्यूपेशन नहीं होती, और मेल में प्यूपेशन का डेज है, और टोटल टोटल लाइफ स्पैन यहाँ आप काउंट कर सकते हो। सो फ्रेंड, दिस वाज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ मैंगो मिलीबग, दैट इज रॉर्सिस्टा मैंगीफेरा। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताना, और कम्पिटिटिव में ये काफ़ी हेल्प करेगा, और एग्जाम में आप इसको अटैम्प्ट इजिली कर पाओगे। और कोई अदर पेस्ट है एंटो का, कोई टॉपिक है बताना जो आपको नहीं मिल रहा, तो मैं आपको जरूर वीडियो बना के दूंगा। और लास्ट में मैंने एक एडिटिंग वीडियो की है जिससे आप इसके रियल इमेजेस देख सकते हो, प्लांट कैसे इन्फेक्ट हो रहा है, फ्रूट को स्टेम को कैसे इन्फेक्ट कर रहा है, कैसे कंट्रोल करना है, वो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग करवाएगा। थैंक यू वेरी मच, एंड कीप शेयरिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो।